हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। दिन दहाड़े चलती महिला को लूटने वाले बदमाशों को एटा पुलिस ने धर दबोचा है और इसके लिए पुलिस सुप्रीमो ने संवाददाता सम्मेलन में पुलिस की टीम को इनाम की घोषणा भी की है। पुलिस के अनुसार महिला शनिवार दोपहर 12 बजे बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उनके हाथ से पैसे का बैग छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही थाना में मुकदमा पंजीकृत कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी और समूचे जिले में इस घटना की खबर फैला दी गई। संदेश मिलते ही सक्रिय हुए पुलिस ने जिले में तलाशी अभियान चलाया और कुछ घंटे बाद पिलुआ थाना के प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी की टीम ने चेकिंग के दौरान सिरोही तिराहे से मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और दो अन्य फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला से लूट की घटना को स्वीकार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और लूटी गई रकम बरामद कर ली है। एक ही दिन के अंदर घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। उसको पकड़ा गया वहाँ पे जनपद में, जो हमारा प्लान है जिसके अंदर में हम लोग सीलिंग प्लान होता है हमारा, उसको लागू किया गया और उसमें दो यूपी अंडर के कर्मियों ने जो है लाइव उनको जो है अरेस्ट किया। जब सकीत और जो सिल्वर थाना है उन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और उसमें लाइव दो लोग जो है पकड़े गए, दिनेश और पिंटू। ये दोनों ही एक कासगंज का रहने वाला है, एक नया गाँव का रहने वाला है। इसके अलावा दो और इनके साथी हैं जो फरार हैं, शिशुपाल और गोलू, ये दोनों कासगंज के रहने वाले हैं। इसमें बरामदगी जो है 39,000 रुपये लूटे गए, साथ में एक तमंचा, एक खोखा और एक मोटरसाइकिल। एएसपी ने पिलवा पुलिस थाने की टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर महाराज सिंह भाटी, उप निरीक्षक ब्रह्म प्रकाश, प्रमोद कुमार वशिष्ठ, जितेंद्र सिंह समेत टीम को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की है। एटा से प्रमोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।